नमस्कार, पीएमई विद्या चैनल नंबर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वक्त में अच्छा रहना, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और इसका बहुत ख्याल रखिए। स्वस्थ रहने के कई तरीके होते हैं, कई माध्यम होते हैं, अच्छा आहार और इसके अलावा हमारा योगा। जी हाँ, योग के माध्यम से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। एक्सरसाइज करिए, चाहे घूमिए, चाहे टहलिए, लेकिन अपने आप को तंदुरुस्त रखना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम योगाभ्यास करते हैं, योग के माध्यम से हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, और इससे सबसे प्लस पॉइंट यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। और किस तरह से ये बेहतर होता है और क्या कुछ इसमें आज खास है, एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है आज सोशल साइंस के लिए, क्लास 10th के लिए, और आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी तरह का है जिससे आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न टाइम। जी हाँ, आज के वक्त में आधुनिकीकरण के चलते हमारी लाइफ बहुत भागदौड़ वाली हो गई है। हम कैसे खुद को स्वस्थ रखें, कौन कौन से वो योगाभ्यास करें जिससे हम स्वस्थ रहें, एक्सपर्ट हमने अपने साथ में यहाँ पर बुलाए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हरि प्रसाद यादव जी हैं, योगा कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट ए के। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। गीतांजलि जी, तो सर जैसा हमने अभी बात की है, हम अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं, योग के माध्यम से हम खुद को काफी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। योग हमारी दिनचर्या को तो बेहतर बनाता ही है, हमारे मानसिक जो हमारा संतुलन होता है उसको भी काफी हद तक व्यवस्थित रखता है। तो आज का जैसा हमारा जो चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न टाइम, जो है जो मॉडर्न टाइम आज का वक्त चल रहा है, उसमें क्या कुछ आज खास हम बताने वाले हैं हमारे सभी दर्शकों को। मैं गीतांजलि जी सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे को मेरे विचार व्यक्त करने को मिले। योग में आपको योग के बारे में एक संक्षिप्त में बताता हूं। एक तो हमारा व्यस्त जीवन के कारण सभी लोग जो है तनाव पूर्ण जीवन जी रहे हैं, और हमारा जो तनाव इतना ज्यादा अधिक होता है कि उसके कारण हमारे विशेषकर हमारी जो नई जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं विद्यालयों में, इनके अंदर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। और पीछे 2 साल से तो इतनी दिक्कतें थी कोविड के कारण, स्कूल्स भी क्लोज थे और वर्चुअल उसकी वो यूज कर रहे थे हम। जी जी जी, इंटरनेट मतलब जैसे हमारा एक लाइफस्टाइल होता है वो हमें नहीं मिल पा रहा था, चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों। बच्चे थे तो वो स्कूल जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बड़े जो लोग थे अपने ऑफिस जा रहे थे, सब चीजें सामान्य जीवन ऑनलाइन क्लास, बिल्कुल लाइफस्टाइल एकदम से बिल्कुल ही चेंज हो गया, जिसका सीधा सीधा असर पड़ा है हमारे स्वास्थ्य पे। जी तो गीतांजलि जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि योग द्वारा हम इस तनाव को कैसे हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कारण हमारा ये देखना होगा कि जो क्या बच्चों का जो जीवन चर्या जो है शुरुआत से और शाम तक बड़ा व्यस्त जीवन होता है उनका, कंपटीशंस इतने अधिक हो गए हैं, तो उन कंपटीशंस के कारण सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि उनकी अंदर की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी शक्ति है, उनके अंदर स्टेमिना है, वो उनका बरकरार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इम्यून सिस्टम व्यक्ति का होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत सही होना चाहिए। योग से हम सबसे अच्छे तरीके से हम इसको अपने आप को दूर कर सकते हैं। जी जी, एक पोल्यूटेड सिस्टम है हमारा एनवायरनमेंट में, एनसीआर में हमारे AQI बहुत डाउन है, तो उससे हम अपने प्राणायाम द्वारा, सबसे पहले मैं प्राणायाम की बात करता हूँ, प्राणायाम द्वारा हम अपने लंग्स को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, और अंदर से जो छोटे छोटे छिद्र हैं जो हम उन लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रिजर्व रखते हैं, और उसके सांस लेने की और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम बिल्कुल साफ रख सकते हैं। और लंग्स के कारण बहुत ज्यादा हमारे बच्चों में भी और बड़ों में भी काफी हानि होती है, दमा टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, सांस फूलने लगता है, तो ये स्टेमिना इसी का एक नाम है। बिल्कुल, हम थोड़ी सी दूर दौड़ेंगे और हमारा सांस फूल जाएगा, कोई बस को पकड़ने में दौड़ता है या कोई वैसे, तो ये स्टेमिना हमारा बरकरार रहना चाहिए। जी, जी। तो हम प्राणायाम द्वारा हम अपना स्टेमिना बना सकते हैं। शरीर को लचीला रखने के लिए हम अपने आसन द्वारा हम इनको शरीर को लचीला रखते हैं, और क्योंकि एक्स्ट्रा चर्बी जो है हम शरीर में नहीं होनी चाहिए,
मोटापा जो है ये पे बहुत ज्यादा समस्या बन गया है। चलिए ये आपसे जानेंगे कि कौन कौन से वो योगा अभ्यास है जिसके माध्यम से हमारा मोटापा जो है वो कम हो, कंट्रोल हो उस पर, वो भी आपसे जानेंगे। और क्या कुछ आज हम खास आपसे और जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वो माध्यम है टेलीफोन नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस। जी हाँ, आप हमें टेलीफोन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए जो नंबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे होंगे। हमारा टेलीफोन नंबर 8800-44059। जी हाँ, ये वही नंबर है जिससे आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा ईमेल एड्रेस भी हम आपको बता देते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cieet.nic.in। इसके माध्यम से आप हमें मेल कर सकते हैं और अपना कोई भी सुझाव हमें भेज सकते हैं। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको जरूर करेंगे। चलिए एक बार फिर से सर की ओर रुख कर रहे हैं और जानते हैं कि आज के चैप्टर में वो क्या कुछ और खास लेकर आए हैं। सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आजकल बच्चों को जो है सांस लेने, बच्चों क्यों सभी को आजकल सांस लेने की बड़ी दिक्कत है, दमा बन जाता है, सांस फूलने लगती है, और कोविड के बाद तो हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैसे कोविड होने के बाद इस तरह के लक्षण लोगों में ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, अपने लंग्स जो है क्लीन हो, और साथ ही जैसे आज के युग में स्टूडेंट्स को योग द्वारा कैसे लाभ मिल सकता है, हमारे जो बच्चे हैं अगर योग करते हैं तो उन्हें किस तरह का लाभ होता है। गीतांजलि जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, अपने बच्चों को जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप किसी योग्य योगी की या योग्य गुरु जो है जिसको पूरी नॉलेज हो उसी की देखरेख में ये एक्सरसाइज करनी चाहिए जी। जो भी आप हमारे दर्शक देख रहे हैं। दूसरा, मैं ये स्पेशल बताना चाहूंगा कि हार्ट डिसीजेज वाले या कोई किसी को डायबिटीज है या किसी अन्य बीमारी का शिकार है, वो बिना जानकारी के योग या प्राणायाम बिल्कुल ना करें, बिना जानकारी के, ठीक है, तो उसकी देखरेख में करना चाहिए। दूसरा, बच्चों को जैसे हम तनावपूर्ण जीवन जो है इसको तनाव कम करने के लिए हम मेडिटेशन कराते हैं। हाँ। विद्यालय में कम से कम भी हर क्लास में 15-20 मिनट का मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। वैसे तो सभी को करना चाहिए 15-20 मिनट का मेडिटेशन करके, मन को एकाग्र करके, क्योंकि एकाग्रता बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। जो भी आप काम करेंगे एकाग्रता के कारण साथ करेंगे तो कार्य पूर्ण अवश्य होगा। और दूसरा, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनकी मजबूती भी हमें जरूर चाहिए। बिल्कुल। अगर जैसे हमारे, जैसे मैंने फेफड़ों का बताया था, प्राणायाम द्वारा हम साफ कर सकते हैं इनको, इनको स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा, हम अपने हार्ट की, अपने किडनी की, इन चीजों की मजबूती के लिए हम एक्सरसाइजेज करते हैं। और इंटेस्टाइन के लिए तो जैसे खान पान है हमारा, इसका भी हमें बहुत पूरा ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों को भी, उनके पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि आज के समय में अगर गलत खाना खाएंगे तो हमारे अंदर की जो, एक तो हमारे स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं हो, इसलिए नहीं होता है कि एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं है, एक्यूआई है, प्लस ये भी रहता है कि खान पान जो है वो भी व्यवस्थित नहीं है। हम व्यवस्थित नहीं है, कभी भी कुछ खाते हैं हम बाहर का खाते हैं, जो कि बार बार कहा जाता है, घर वाले भी मना करते हैं कि देखिए बाहर का मत खाइए, लेकिन फिर भी बच्चे खासतौर पर इफेक्ट उन पे ज्यादा होता है क्योंकि वो नहीं मानते हैं, बाहर का खाना भी खाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ऐसे में जो, अगर हम बात करें जो योगाभ्यास है, और खासकर अगर बात करें मानसिक तनाव की, एक बात आपने बिल्कुल बहुत सही कही है कि मानसिक तनाव इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बच्चे हैं, पढ़ाइयां जो है उनकी वो बहुत ज्यादा हो गई हैं, अलग अलग तरह के उनके सेशन हो गए हैं, उन्हें वो भी अटेंड करने होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें जो है वो लोगों को रहती हैं, चाहे वयस्क हों, चाहे बच्चे हों, और चाहे वृद्ध हों। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग कितना कारगर है, किस तरह से हम मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं योग के माध्यम से? गीतांजलि जी, योग के अंदर मेडिटेशन से अच्छा कोई चीज नहीं है। आठ अंग जो है इसके ऊपर सारा आधारित है योग। यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो पांच अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अलग हैं, और लास्ट के जो तीन चीज है, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये धारणा, ध्यान और समाधि का कारण क्या है? धारणा में हम तीन चीज याद रखते हैं, एक मैं, एक सामने भगवान है, और धारणा, उसकी धारणा कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं जी। हाँ, ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तीन चीज याद रहती है। कुछ समय के पश्चात, कुछ महीनों के या सालों के बाद, धारणा का परिवर्तित ध्यान में हो जाता है, उसमें धारणा खत्म हो जाती है, सामने भगवान और मैं, साधक और सामने भगवान, दो ही वो याद रहती है चीजें, सिर्फ भगवान और ध्यान। तो ध्यान की अवस्था बहुत अच्छी होती है, अगर रेगुलर कोई मेडिटेशन करते रहें तो उसमें ध्यान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, मेडिटेशन का, एकाग्रता का, बाकी चीजों का। और फिर समाधि तो आज के समय में खैर इम्पॉसिबल सी चीज है, क्योंकि आज कलयुग है, हमारे समाज में लोभ, मोह, माया, इतनी भ्रष्टाचार, इतना त्रस्त है लोग इनसे, कि इनसे छुटकारा पाना ही मुश्किल है। ये मेरा है, ये तेरा है, इन जालों में फंसे पड़े हैं। तो समाधिस्ट होना तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे पुराने समय में शंकर भगवान जी समाधिस्ट हो गए थे, अपने मतलब अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लिया था उन्होंने, और स्वयं भगवान भी ऐसे रहे जी, बहुत पहले हमारे ऐसे रहे जो समाधि में लीन रहते थे जी, जी। और कुछ क्रियाएं ये अपने हाथों की उंगलियों के माध्यम से, कई तरह की क्रियाएं जिससे जो है उनका श्वास जो है वो बेहतर होता, बीमारियां दूर होती है, इन चीजों से बहुत उपचार करते हैं। जैसे आज के वक्त में लोगों के पास वक्त कम है, लोग अपनी जैसे दिनचर्या है उसमें बिजी हैं, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं जी, जी। योग करने का क्या एक कोई तय वक्त होना चाहिए? योग करने के लिए क्या कोई तय स्थान होना चाहिए? कुल मिलाकर हम योग कब कब कर सकते हैं और उसके लिए किस तरह के स्थान की जरूरत होती है? जी गीतांजलि जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि खाली पेट आसन करने हैं हमें जी। प्राणायाम का कोई अवश्य नहीं है खाली पेट होना, या खाना खाने के आधा एक घंटा बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आसन जरूरी है कि आपका या तो खाली पेट हो। अगर आपने खाना खा लिया है तो 3 घंटे तक आपको आसन नहीं करने चाहिए। अच्छा जी, 3 घंटे के बाद करते हैं। और समय का जहां तक बात है कि सुबह का समय सर्वोत्तम बताया गया है इसके लिए, आसन करने के लिए, प्रातःकालीन आप उठें, सेवा निवृत्ति होके उसके बाद में आप खाली पेट आसन शुरू करें। और कम से कम मैं तो ये चाहूंगा कि सभी को हमें 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर देना चाहिए। सबसे पहले थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करके अपने शरीर को वार्म अप कीजिए, उसके बाद में जिस तरह के आपका शरीर है, जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है, उसी तरह के आसन करके अपनी इम्यूनिटी को या अपने स्टेमिना को बढ़ाना। जैसे बच्चे हैं, यंग एज है जिनकी, वो ज्यादा अधिक देर तक कर सकते हैं। जो ज्यादा एज्ड पर्संस हैं, जो ज्यादा हमारे 40-50 साल के ज्यादा जो एज्ड पुरुष हैं जी, या महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो उनको थोड़ा सा कम टाइम देना चाहिए, वो मेडिटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें। 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, आधे घंटे तक या 40 मिनट तक, 25 मिनट तक हम आसन कर सकते हैं, उसके बाद में प्राणायाम और फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सही, बहुत सही बात कही है। और जैसे सर ने हमें जानकारी दी है कि कभी भी आप योग क्रिया करें, कभी भी योगासन करें, तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप आपके लिए अनिवार्य होता है, यानी कि आप 3 से 4 घंटे कुछ ना खाएं, उसके बाद आप योगाभ्यास करें, ये बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी इसके लिए कई तरह की बातें हैं, जैसे आप अगर कोई हैवी आपने खाना खाया है और एक्सरसाइज की जो योग की क्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत कर सकती हैं, क्योंकि श्वास नली से ही सब कुछ होता है, अगर मैं सही कह रही हूँ सर, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। बहरहाल सर, हमने देखा है और जैसे हम देख रहे हैं आजकल बच्चे जो है वो मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं,
आंखें भी खराब हो रही हैं, आंखों पे फर्क पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों की आईसाइट जो है वो वीक हो रही है, और इसके साथ साथ नींद ना आने की बीमारी भी हो गई है। अब छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो गई है। हम अब से कुछ सालों वक्त पहले का अगर हम वक्त देखें, कुछ मान लीजिए कि अगर हम 2010 की ही बात कर लेते हैं तो भी इतनी समस्या नहीं थी। अब कई डॉक्टर से, कई एक्सपर्ट से हमारी बात होती है तो पता चलता है छोटे छोटे बच्चों का जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का बीपी बढ़ जाता है, छोटे छोटे बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं। तो मोबाइल भी एक साइड इफेक्ट जो है वो बच्चों के लिए जरूर यहाँ पर लेकर आ रहा है। अगर जैसे बच्चे करते हैं, जो बच्चों का एक लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, और खासकर छोटे बच्चे जो हैं उन्हें, क्योंकि वो तो योगाभ्यास कर नहीं सकते हैं, योग क्रियाएं उनके लिए इतना संभव नहीं है, तो फिर इसका क्या विकल्प पेरेंट्स निकालें, क्योंकि बच्चों के लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी सेहत को लेकर परिवार के जो अभिभावक हैं उनके या माता पिता हैं वो खासा परेशान रहते हैं। जी गीतांजलि जी, मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा। सबसे पहले तो क्योंकि खान पान का एक टाइम भी होना चाहिए और खान पान के लिए कोई सही डाइट भी होनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आजकल प्यार ज्यादा करते हैं बच्चे, एक या दो ही बच्चे होते हैं परिवार में तो लाडले ज्यादा होते हैं, तो उसको लाड प्यार के कारण भी कुछ बच्चे थोड़े से ही है कि भाई पेप्सी चाहिए, ये चाहिए, जो इस तरह की जो जंक फूड है उसको ज्यादा यूज करते हैं। और क्योंकि हमारा एक एनवायरमेंट ऐसा है, AQI डाउन है, NCR में रहने वाले बच्चों के लिए उसको सही ऑक्सीजन मात्रा में नहीं मिल रही है, इस वजह से भी ये मेन कारण है कि हमारा डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी होना चाहिए। मैं सभी अपने दर्शकों को, भाई बहनों को सभी बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों का भी पूरा इस चीज पे ध्यान दें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे डाइट के साथ साथ हम अपने एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे, हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, हम अपने इंटेस्टाइन को, जो पाचन क्रिया है हमारी, उसकी ठीक रखें, वो ठीक रखें, योग के अभ्यास से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ठीक रहेंगे। उससे मैं मतलब तथ्य पे आधारित मैं आपको बताना चाहूंगा, योग इज ए मोस्ट पावरफुल ड्रगलेस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। योग एक दवा रहित सबसे शक्तिशाली प्रचार उपचार माध्यम है, उपचार माध्यम हाँ। एक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, ये सभी मानते हैं। तो योग से अच्छी तो कोई, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा गीतांजलि जी के जैसे कोई बच्चे को कह दिया मम्मी सर दर्द हो गया, कारण पूछा नहीं, सेरिडोन निकाल के दे दी, लो बेटे सेरिडोन ले लो जी, तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मतलब उसको सरदर्द क्यों हुआ ये देखे ना, गैस का है या कोई गर्मी में धूप में गया है या कोई उसको हीट की कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई उसका कारण देखे, उसका उपचार उसको उस हिसाब से करें। यानी कि दवा देने से ज्यादा है बच्चों को नियमबद्ध रखना, बच्चों के लिए नियम बनाना, उनके खाने का एक नियम होना चाहिए, उनके सोने का एक वक्त होना चाहिए, और जिस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा बच्चे कर रहे हैं तो उस पर कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए। तो इसमें जो परिवार के अन्य बड़े सदस्य हैं, चाहे वो घर में अगर संयुक्त परिवार है तो माता पिता के अलावा दादा दादी भी होते हैं घर में, और भी लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल भी ऐसी होनी चाहिए जिसे बच्चे फॉलो करें, ये भी बहुत जरूरी है। बहरहाल हमने अक्सर ये सुना है, लोग जाते हैं खासकर व्यस्त लोग जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, दे प्रेफर फॉर जिम, वो चाहते हैं कि उन्हें मतलब जिम जाकर वो अपने आप को सुडोल बनाना चाहते हैं, जिम जाकर वो अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं और योग की ओर कम ध्यान देते हैं। ये जो कंपैरिजन है, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल समझना भी चाहूंगी और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, ये कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या बेटर है, योगा हमारे लिए, योग ज्यादा बेटर है या फिर हमारे लिए विकल्प के तौर पर? जी, ये गीतांजलि जी बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, क्योंकि आजकल हमने देखा यंगस्टर तो मतलब जिम के जो बच्चे हैं, जिम ट्रेनर जिसको हम कहेंगे, उनका एक शरीर ऐसा, फिजिक ऐसी लगती है, शरीर के बाजू के अंदर डोले ज्यादा कर लेंगे, ऊपर चेस्ट अच्छी हो जाएगी, जी जी, तो ये कोई अच्छी बात है, उसका अच्छा शरीर होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन उसका थोड़े वक्त के लिए, एज्ड जो पर्संस हो जाएंगे वो, उनका बुढ़ापा, ये समझ लीजिए बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, नहीं रहता है। इसी तरह से एक रेसलर है, आप जो पहलवान जो होते हैं, कुश्तियां करते हैं, वो शरीर ऐसा कर लेते हैं अपना, खाना खा के अपना, उसका चर्बी इतनी होती है उनमें,
तो उसके एक बुजुर्ग पहलवान को अगर आप देखेंगे तो उसका शरीर पहचान में भी नहीं आएगा कि ये पहलवान वही था। बिल्कुल। तो ये चीजें देखो, ये फालतू चर्बी तो योग के अंदर, योग का क्या है, योग में स्टेमिना बनाना है, इम्यूनिटी बनानी है। और मैं गीतांजलि जी आपको एक इस आपके एनसीईआरटी के चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि COVID-19 में जो हमने अपने आसपास के लोगों को कितना ज्यादा फायदा पहुंचाया, ये मैं कोई बढ़ाई की बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग हमारे से लाभान्वित हुए और ये होना भी चाहिए क्योंकि एक सामाजिक कर्तव्य था हमारा। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक स्टेमिना है, जिसमें स्टेमिना है हमारे, इम्यूनिटी अगर लेवल अच्छा रहेगा तो हमारे को बीमारियों से लड़ने का एक वो पावर है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। जी जी जी। तो जो योग प्रतिरोधक क्षमता, हाँ, जिसे हमने जी जो, तो योग सिस्टम का बेहतर होना, तो मैं बताना चाहूंगा कि योग के जो योग के अभ्यासी हैं, हाँ, उनको मैंने तो आज तक कोई ऐसा सुना नहीं है कि जो बीमार हुआ है या जो कैजुअलिटी कोई हुई है योग करने वाले को, एक्सपर्ट जो बच्चे हैं हमारे, वो उनको बीमारी कोविड के उसमें इफेक्टेड नहीं रहे हैं। यानी कि उन्हें कोविड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वो बच्चे जो उनको हम जिनको हम बताते हैं, जिनको गाइड करते हैं, उन्होंने अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रखी। और वैसे तो रामदेव जी भी खैर अपने उसमें बड़े पॉपुलर रहे हैं, उन दिनों में भी अपने प्रोग्राम्स देते रहे और लोग बहुत लाभान्वित होते हैं। तो मैं आपने जो पूछा था जिम का, जिम एक ऐसी स्पेसिफिकेशन चीज है कि अपने बॉडी को, अपने शरीर को सुडोल बना सकते हो, डोले बना सकते हो, इस तरह की इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करना ये अलग चीज है। और हमारी इंटरनल देखो, हार्ट हमारी आते हैं, किडनी है, हमारे लंग्स हैं, ये अगर हमारे मजबूत रहे तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, मेरे MBBS डॉक्टर्स भी हमारे संपर्क में है बहुत, मैं उनको नहीं खराब नहीं बताता एलोपैथी को। एलोपैथी भी अपने आप में एक सही है कि भाई तुरंत उपचार हो जाता है उसका। जैसे कोई भी बीमारी होगी हमारी, किसी कोई हमारा बीमार होता है, कोई बुखार हो गया या कोई ऐसी चीज होगी तो तुरंत उपचार करना है तो दवाई दे दो, लेकिन जड़ से खराब जो बीमारी ही ना हो। अब डायबिटीज है, डायबिटीज जिसको हो गई तो एक सुबह गोली लेते हैं, बहुत से लोग हैं हमारे आसपास। सही कह रहे हैं सर, डायबिटीज का कोई इलाज ही नहीं है, लोग ये मान के चलते हैं कि हमें डायबिटीज हो गया, हमें ब्लड प्रेशर हो गया, तो एक गोली सुबह खानी है, एक गोली शाम को खानी है। लेकिन वो दवाइयां बॉडी को और बॉडी के जो अंदर और पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उन्हें किस तरह से बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। यही एक मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि अगर योग करेंगे तो मैं लिख के देता हूँ, कभी भी कोई अगर बीमार हो जाए, कोई किसी को देखिए, मैं अपने आप को मैं खुद ही बताता हूँ एक परिणाम, हाँ हाँ, प्रमाण है कि एक तो 80 में मैंने किया था, 1980 में मैंने अपने कोर्स किया था कटरा से, जम्मू से। जी जी। उसके बाद में मेरे को तो आज तक कभी कोई बुखार हुआ नहीं, ना कभी, मैं आपको सही बताता हूँ गीतांजलि जी, 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 मैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ। मैं अपने पूरा स्वस्थ हूँ, मैं एलोपैथी की कभी दवाई मेरे को जरूरत नहीं पड़ी लेने की, ना तो मैं ब्लड प्रेशर का शिकार हूँ, ना डायबिटीज वगैरह ये बीमारियां जो लोग कहते हैं, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे ब्लड प्रेशर है। यानी कि सर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप योगाभ्यास करते हैं, योगा करते हैं, तो फिर आप अंदर से अपने शरीर के जो हमारे अंदरूनी जो अंग हैं उनसे आप बेहतर उन्हें कर सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमारी बॉडी अपने आप स्ट्रांग रहती है। और आज के वक्त में बॉडी को स्ट्रांग रखना अंदर से बहुत जरूरी है। देखिए जिम आप जा रहे हैं, बुरा वो भी नहीं है, उसमें भी एक्सरसाइज ही है, लेकिन वो अलग तरह की होती है और आपकी बॉडी को बाहर से सुडोल और आकर्षक बनाती है। लेकिन अगर हम योग करते हैं तो योग के माध्यम से हमारी कई बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आती है। और ये सच है, ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है। और जो लोग योग क्रियाओं से, योगाभ्यास से जुड़े हुए हैं, कई योग शिविरों में भी मैंने लोगों से बातचीत की, तो मैंने यही पाया और उन्होंने यही बताया कि जब से हम इससे जुड़े हैं, चाहे लोग नए जुड़े हैं या पुराने तो जुड़े ही होते हैं, उन्होंने बताया कि काफी हद तक हमारा शरीर जो है वो बेहतर हो गया है। अच्छा सर, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम है, लग तो रहा है कि चर्चा यूं ही जारी रहे क्योंकि कई जरूरी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं,
लेकिन अब हम कोविड को झेलते झेलते अब हमें काफी वक्त हो गया है जी। बीच में कभी कोविड के आंकड़े कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। जब बढ़ते हैं तो लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमने कोविड का देखा है कितना बुरा इफेक्ट जो है लोगों के घरों पर, परिवारों पर, लोगों पर पड़ा है। कोविड के मामले अब फिर से बढ़ने लगे हैं, एक बार फिर से ये जो है चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे में अब बढ़ते कोविड, क्योंकि ये प्रश्न मेरा पूछना आपसे इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड के कोई सिम्टम्स अब नहीं दिख रहे हैं, जैसे पहले तो बहुत ज्यादा दिख रहे थे। अब ऐसा भी हो रहा है लोगों को कि पहले कह रहे थे कि हमें अगर खुशबू नहीं आती है तो मान के चलिए कि खाने में अगर स्वाद नहीं आता तो मान के चलिए कि कोविड है, ये सिम्टम है। लेकिन अब तो लोग खा पी भी रहे हैं, उन्हें खाने में आराम से उन्हें मतलब खाना स्वादिष्ट लग रहा है, मतलब कुछ कुल मिला के उन्हें गंध भी आ रही है, सब चीज परफेक्ट है, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव है। ये कैसे अब हम तालमेल बैठाएं कि अगर हमें बॉडी में कोविड है तो फिर हम क्या करें, और अगर नहीं है तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, कुल मिलाकर कैसे हम इस बार कोविड को पहचाने या कोविड को मात देंगे कह सकते हैं, बढ़ रहे हैं मामले। गीतांजलि जी, ये जो फेस है हमारा थर्ड फेस जो चल रहा है इसका, कोविड का, हमारे मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी है कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड गले से शुरू है। तो अब जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो ज्यादातर गले में दिक्कतें हैं, उसमें खांसी हो जाती है या गले से सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को, और थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा आज की डेट में ये है कि ये कैजुअलिटीज ज्यादा नहीं है, और इससे ज्यादा खतरनाक लेवल पे ये थर्ड फेस नहीं आया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इसको हम कोई भी जो पेशेंट है वो लड़ सकता है बीमारी से। एक तो थोड़ा पहले से भी प्रिकॉशंस लोग रखने लगे हैं, मास्क यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी इम्यूनिटी आप बढ़ाइए। आप रेगुलर जो है प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम के 8 प्रकार होते हैं, तो इनके आप और कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको बोलते हैं वो कीजिए, या भस्त्रिका कीजिए। सुबह सुबह हर चीज YouTube चैनल पे मिल जाती है आजकल, या कोई भी आपके आस पास में जो कोई योग अभ्यासी कोई होंगे उनको थोड़ा सा उनकी गाइडेंस में कर सकते हैं, या जो भी योगा का प्रोग्राम आता है उसको देख के आप ये कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, और थोड़ा सा अपने शरीर को लचीला रखिए। मेन काम क्या है कि हमारे जो नसें हैं, हमारी नसें गीतांजलि जी, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब क्या बीमारियां होती हैं कि जैसे हमने आपने ये जिम का कहा था, तो जिम ट्रेनर्स जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, डोले बना लेते हैं। जिम का एक माइनस पॉइंट ये भी होता है कि जिम में जब व्यक्ति जाता है पहुंचता है तो फिर कई तरह के सप्लीमेंट्स भी लेने शुरू करते हैं। जी वो भी है, वो भी बॉडी के लिए काफी। मैं आपको बताऊंगा जो अब जैसे यहाँ भी जो है कंधों के इसमें आसपास में चर्बी इतनी ज्यादा हो जाती है, और यहाँ से हमारा नर्वस सिस्टम भी है, तो नशे हमारी जाती है, ब्लड सर्कुलेशन उनसे जाता है, तो वो अगर दबाव में आ जाए, अगर नशे हमारी ज्यादा चर्बी बढ़ने से वो दब जाता है, कोई हड्डी के नीचे दब जाए तो फिर व्यक्ति को कभी सर्वाइकल हो गया, कभी ये पेन हो गया, कभी वो इस तरह की शिकायत। आप तो जितनी जरूरी बातें बता रहे हैं, मन नहीं हो रहा है कि इस सेशन को खत्म किया जाए, लेकिन माफी चाहूंगी क्योंकि घड़ी की सुइयां हमसे कह रही है कि अब आपसे हमें इजाजत लेनी होगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में अब वक्त बहुत ही कम रह गया है। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम ये कोशिश करेंगे कि योग की महत्ता इसी तरह से आप तक पहुंचाते रहें। आप यूं ही हमारे साथ पीएमई विद्या चैनल के माध्यम से बने रहिएगा। मैं गीतांजलि जी आपके एनसीआरटी चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा, इन लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे दर्शकों को जो आपने विचार व्यक्त किए उनका लाभ पहुंचाया, मैं थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अपने सभी दर्शकों से हम इजाजत लेते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल।